देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। ये इंडिया है भाई, यहाँ एक भाषा से तो जोधपुर संभाग का हाल, जिलेवार तस्वीर आपको आंकड़ों के जरिए हमने पेश करने की कोशिश की है, लेकिन सियासत की बारीकियां क्या कह रही हैं, चलेंगे सहयोगी राजीव गौड़ के पास। राजीव, जिस तरह से हालात बन रहे हैं उनकी वानगी पेश करने की जरा कोशिश कीजिएगा, वहां से किस तरह से वहां पर हालात हैं, खासतौर से जातीय समीकरण क्या है, मुकम्मल तस्वीर क्या बन रही, सीधा आपके पास चल रहे हैं, बताइए जरा। देखिए अखिलेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो इस विधानसभा चुनाव दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा मदेला परिवार ले, राम सिंह बिश्नोई परिवार ले या फिर खेत सिंह राठौर, इनकी जो राजनीतिक विरासत है उनको बचाने के लिए परिवार के सदस्य जुटे हुए हैं। तो वहीं नुहावट में गजेंद्र सिंह की भाजपा के प्रत्याशी, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। अगर पड़ोसी पाली की बात करें तो वहां जो आईएएस अधिकारी है निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य ने ताल ठोक रखी, तो बीरा काक भी वहीं से उम्मीदवार है, सरकार में मंत्री रही, उन पर भी नजर आएगी। साथ ही सिरोही की बात करें तो संयम लोढ़ा जो है उन पर भी नजर आएगी, पिछला चुनाव ही हार गए थे। बाड़मेर की बात करें तो कर्नल सोनाराम और हेमाराम के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जसवंत सिंह, उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, वो शिव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें प्रियंका जो गंगाराम चौधरी की पोती है उस पर भी सबकी नजर है। तो कहीं ना कहीं जो जातिगत आधार पर तो चुनाव है, जाट बिश्नोई राजपूत मतदाता किसकी तरफ क्या भूमिका निभाएंगे, उसके अलावा ओबीसी और एससीएसटी के जो वोट है किसकी गणित बिगाड़ेंगे, साथ में राजपा के अलावा निर्दलीय भी चुनाव मैदान में ताल ठोक कर खड़े हैं। अब देखना यह है कि ये जो कांटे की जो टक्कर वाला जो चुनाव है उस पर विजय श्री किसके हाथ लगती है। अखिलेश, तो जोधपुर संभाग का पूरा हाल सहयोगी राजीव हमें बयां कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका यहाँ पर।